अपने सवाल जवाब सेक्शन में हम फिर से मौजूद हैं आज अपने एक्सपर्ट लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट भूपेंद्र यादव जी के साथ। और आज हमने सेलेक्ट किए हैं चार सवाल जिनके जवाब वो देंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौस्टेन कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात में डॉक्टर कौस्टेन दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सर, आज हमने जो पहला सवाल लिया है वो प्रोमला जी हैं जी, और उनका जो सवाल है वो यह है कि सर, मैं विधवा थी जी और मेरे वर्तमान पति का डाइवोर्स हो गया था जी। तो 30/8/2016 को इनको डाइवोर्स की डिग्री मिल गई जी। इनकी एक्स वाइफ ने 28/11/2016 को हाई कोर्ट में अपील डाल दी जी, लेकिन उसका सम्मान मेरे पति को रिसीव नहीं हुआ जी। हमने 7/2/2017 को सेकंड मैरिज कर ली जी। उसके बाद 27/11/2017 को सम्मान मिला जी। तो क्या हमारी शादी वैलिड मानी जाएगी? इसके बारे में ये कहना है मेरा कि डिवोर्स की डिग्री की मिलने के बाद जो अपीलीय समय होता है, अपीलीय पीरियड होता है, के बाद शादी करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। और ये कहना कि हमें सम्मन नहीं मिला, जानकारी नहीं थी कि अपील हुई है या नहीं हुई है, और उस दौरान आपने शादी कर ली है डिवोर्स के बाद, सम्मन न मिलने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। फर्क ये पड़ता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जब उसमें अपना फैसला सुनाएगा, या तो डिवोर्स की डिग्री को वो मेंटेन करेगा तो आपकी शादी वैलिड होगी, और अगर लोअर कोर्ट की डिवोर्स की डिग्री का फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बदल दिया कि डिवोर्स नहीं होगा, तो फिर आपकी शादी पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, आपकी शादी कानूनन वैध नहीं होगी। कि सर, ये है कि जो सारा कुछ डिपेंड करेगा वो हाई कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा कि वो इसको मानता है, वैलिड मानता है या नहीं मानता है। नहीं, डिवोर्स की डिग्री जो लोअर कोर्ट ने पारित की है वो डिग्री को बनाए रखता है तो आपकी शादी वैलिड, और अगर वो उसको खारिज कर देता है लोअर कोर्ट के आदेश को तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। सर, हमारा जो दूसरा सवाल है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं विनीत चौहान जी जी, विनीत चौहान जी पूछते हैं कि पत्नी की मृत्यु के बाद स्त्री धन पर किसका अधिकार होगा, पति या पिता का, अगर बच्चे न हो तो? पत्नी की मृत्यु के बाद अगर बच्चे नहीं हैं तो उसकी संपत्ति पर, यहाँ स्त्री धन के साथ साथ और भी कोई संपत्ति है, उस पर पति का अधिकार होगा, पिता का नहीं। और अगर बच्चे जीवित हैं और पत्नी की मृत्यु होती है तो पत्नी की सारी संपत्ति पर, चाहे वो स्त्री धन हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, वो बच्चों का अधिकार होगा। सर, जो हमारा तीसरा सवाल है वो हमारे व्यूअर्स हैं मोहित यादव जी। मोहित यादव जी पूछ रहे हैं कि सगाई होने के बाद लड़का और लड़की के घर वालों में विवाद हो गया जी, और लड़की वालों ने केस कर दिया जी। लड़के वाले अगर दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं तो क्या कानूनन दूसरी जगह शादी कर सकते हैं, क्योंकि लड़की वालों ने क्रोध और बदले की भावना से केस किया है? ऐसे केस में लड़का दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। केस किस नेचर का ये जानकारी हमें नहीं है। वैवाहिक संबंध जो शादी हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न होने के बाद ही कायम होते हैं, और चूंकि यहाँ सगाई हुई है और सगाई में वो सप्तपदी नहीं है, विवाह नहीं है, इसलिए वो दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र है और कानूनन वो कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। मतलब यहाँ ये यह है कि शादी अभी हुई नहीं है तो ये वाला बात क्राइम हुआ ही नहीं, मतलब? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए, होना एक जैसे रोका या टीका जो कहते हैं एक पहला कदम है, और उसके उपरांत शादी होना, अगर शादी संपन्न हुई नहीं है तो संबंध हुए ही नहीं, वैवाहिक बंधन में बंधे ही नहीं, तो वो शादी करने के लिए स्वतंत्र है, लड़का भी स्वतंत्र है और लड़की भी स्वतंत्र है। सर, अब ये जो हमारे अगले जो व्यूअर्स हैं सुजय दीक्षित जी, इन्होंने जो सवाल पूछा है वो यह है कि सर, हिंदू रीत में शादी के वक्त जो टीका दिया जाता है जी पति को सगाई के वक्त सबके सामने जी, वो क्या स्त्रीधन होगा या दहेज कहलाएगा? न तो वो स्त्रीधन होगा ना ही वो दहेज होगा। टीका की और सगाई की जो रस्म है उसमें लड़की पक्ष की ओर से या लड़की के पिता या भाई या रिश्तेदारों की तरफ से वो एक उपहार स्वरूप जो भेंट दिया जाता है, उसमें कपड़े लत्ते भी हो सकते हैं, उसमें सोने की चेन है या अंगूठी है और कोई गिफ्ट हो सकती है, तो वो गिफ्ट होगा, ना तो वो स्त्री धन होगा और ना ही वो दहेज होगा, यानी वो लड़के के गिफ्ट माने जाएंगे जी। ये थे हमारे लीगल एक्सपर्ट मिस्टर भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने आपके सवालों के जवाब दिए।
उम्मीद करता हूँ आप उनके जवाबों से संतुष्ट होंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, उन सवालों के ऊपर जवाबों के वीडियो लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जाना चाहूँगा, जय हिंद।